सुप्रभात प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपका पाठ पढ़ा। आज हम उसके अभ्यास को करेंगे। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 54, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रस्तुत पाठ में किस आज्ञाकारी बालक की चर्चा की गई है? जो ये पाठ है उस पाठ में किस बालक के बारे में बताया हुआ है? किसके बारे में पढ़ा हमने? क श्रवण कुमार, ख श्री राम, ग श्री कृष्ण और घ आरुणि। किसके बारे में पढ़ा हमने बालक में पाठ में? कौन से बालक के बारे में? श्रवण कुमार। तो हम यहाँ श्रवण कुमार पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर दो है हमारा, श्रवण कुमार के समय में लोग तीर्थ यात्रा के लिए किस सवारी पर निकलते थे? जब श्रवण कुमार था तब तीर्थ यात्रा पर लोग कैसे जाते थे? क घोड़ा, ख हाथी, ग पैदल या घ बैलगाड़ी। किस पर जाते थे लोग यात्रा करने के लिए? पैदल। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कैसे लेकर गया था? कंधे पे कावर रखकर पैदल। तो क्या हम करेंगे? हम ग पैदल पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर तीन है हमारा, किस राजा ने श्रवण कुमार पर बाण चलाया? जब श्रवण कुमार था वो नदी पर पानी भरने गया था तो उसे क्या लगा था? बाण। तो वो बाण कौन से राजा ने चलाया था? क रामचंद्र, ख दशरथ, ग रघु और घ जनक। कौन से राजा ने बाण मारा था? दशरथ। तो हम यहाँ पर ख दशरथ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर चार है हमारा, राजा दशरथ किस पशु का शिकार करने के लिए छुपे हुए थे? जो राजा दशरथ थे वो कौन से पशु का शिकार करना चाहते थे जिसके लिए वो पेड़ के पीछे छुपे थे? क सिंह, ख हाथी, ग हिरण और घ बाघ। किसका शिकार करने चाहते थे वो? हिरण। तो हम ग हिरण पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर पांच है हमारा, श्रवण कुमार की छाती में बाण लगने पर राजा दशरथ की क्या प्रतिक्रिया रही? जब श्रवण कुमार को बाण लगा तब राजा दशरथ ने क्या किया? क बहुत पश्चाताप हुआ, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। ख श्रवण से माफी मांगी। ग क और ख दोनों कि उनको पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने श्रवण से माफी भी मांगी। या घ कोई नहीं। क्या किया था राजा दशरथ ने जब श्रवण को बाण लगा था? उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ था अपनी गलती का और उन्होंने श्रवण से क्या मांगी थी? माफी। इसलिए हम ग क और ख दोनों पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर छह है हमारा, पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलने पर श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ से क्या कहा? जब श्रवण के माता पिता को पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने राजा दशरथ से क्या कहा? क बहुत बेचैन हो गए, ख राजा को श्राप दे दिया, पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए या सभी। जब पुत्र की मृत्यु होगी तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ से क्या कहा? उन्होंने राजा दशरथ को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। तो हम क राजा को श्राप दे दिया। अगले है हमारा, श्रवण कुमार सरयू नदी पर गया क्योंकि? श्रवण कुमार था वो सरयू नदी पर क्यों गया था? वह पानी पीना चाहता था या दूसरा वह माता पिता के लिए पानी लाना चाहता था? क्यों गया था श्रवण कुमार? क्योंकि उसके माता पिता प्यासे थे और वह अपने माता पिता के लिए पानी लाना चाहता था। तो हम नंबर दो, वह माता पिता के लिए पानी लाना चाहता था पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर दो है हमारा, श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए क्योंकि? क्यों प्राण त्याग दिए उसने?
पहला उसकी छाती में बाण लगा था, या दूसरा वह नदी में डूब गया था। क्या हुआ था श्रवण कुमार को, किस कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे? क्योंकि उनको राजा दशरथ का बाण लगा था, तो उसकी छाती में बाण लगा था। तो हम यहाँ पर एक उसकी छाती में बाण लगा था पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखते हैं आपकी प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है हमारा, श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? जो श्रवण कुमार था उसके माता पिता कैसे थे? कैसे थे उनके माता पिता? अंधे। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अंधे मतलब वह देख नहीं सकते थे। तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। प्रश्न दो, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया? जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया, क्योंकि उनके माता पिता तो कैसे थे? अंधे थे। तो श्रवण कुमार ने क्या किया? हम उत्तर लिखेंगे, श्रवण कुमार कावर में एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता को बैठाकर अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले गए। श्रवण कुमार ने क्या किया? उन्होंने एक कावर बनाई और उस कावर में एक तरफ अपने पिता को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी माता को बिठाया और अपने कंधे पर उस कावर को रखा और तीर्थ यात्रा पर ले गए। प्रश्न नंबर तीन, राजा दशरथ का निशाना कैसा था? जो राजा दशरथ थे वो बाण चलाते थे, तीर चलाते थे, तो उनका निशाना कैसा था? जो राजा दशरथ थे उनका निशाना अचूक था। अचूक मतलब कि उनका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। तो राजा दशरथ का निशाना अचूक था। नंबर चार, दशरथ ने श्रवण से क्षमा क्यों मांगी? जो राजा दशरथ थे उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा क्यों मांगी थी? क्योंकि उन्होंने उनकी गलती का एहसास हो गया था। तो हम उत्तर लिखेंगे, दशरथ ने श्रवण से अपनी गलती की क्षमा मांगी। दशरथ ने श्रवण से अपनी गलती की क्षमा मांगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न पांच, श्रवण कुमार ने क्या कहकर प्राण त्यागे? जो श्रवण कुमार था उसने क्या कहा और अपने प्राण त्यागे? श्रवण कुमार किस लिए गए थे नदी पर? अपने माता पिता के लिए, पानी लाने के लिए। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे, श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने का कहकर प्राण त्यागे। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने का कहकर प्राण त्यागे। प्रश्न नंबर छः, श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या श्राप दिया? जो श्रवण के माता पिता थे, जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने राजा दशरथ को क्या श्राप दिया? तो हम उत्तर लिखेंगे, श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को अपनी तरफ पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरने का श्राप दिया। क्योंकि जब उन्हें भी पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने वो पुत्र वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे, श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को अपनी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरने का श्राप दिया। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 56 यहाँ पर है, पढ़ो और समझो। नंबर एक में हमारे कुछ शब्द दिए हैं और नंबर दो में कुछ शब्द दिए हैं। नंबर एक है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नंबर दो है विलोम शब्द। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे माता का उल्टा हुआ पिता, माता है हमारी स्त्रीलिंग और पिता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब औरत और पुल्लिंग मतलब आदमी। तो माता पिता क्या होगा? माता का पुल्लिंग पिता, माता पिता, पति पत्नी, पति पत्नी, पुरुष स्त्री,
पुरुष स्त्री, हिरण हिरणी, हिरण हिरणी, राजा रानी, राजा रानी, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। ये हैं हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम मतलब उसका उल्टा। श्राप वरदान, श्राप वरदान, दुख सुख, दुख सुख, बेचैन शांत, बेचैन शांत, प्रसन्न अप्रसन्न, प्रसन्न अप्रसन्न, अनेक एक, अनेक एक, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म। यहाँ आपका पाठ 10 पूर्ण हुआ। आपको जो कार्य कॉपी में करना है उसे पीडीएफ में भेजा जाएगा। धन्यवाद।